हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जो आईटीएम यहाँ पे जाके मेरे प्रीवियस क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इस दिन आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। जो हमारे पास कोची आयलर इक्वेशन होती है उसमें कंसेप्ट होता है कि उसमें क्या होता है, कभी कभी इक्वेशन जो होती है वो होमोजीनियस नहीं होती है, तो उसको हम होमोजीनियस में रिड्यूस कर सकते हैं। आपको लगेगा कि यार ये कोची आयलर टाइप की है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपके सामने। इस दिन जैसे हमारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा ए एक्स प्लस मतलब ए प्लस बी एक्स पावर एन, ए प्लस बी एक्स पावर एन माइनस, मतलब डी पावर एन के साथ ये पावर आ रही है पर साथ में कांस्टेंट भी इन्वॉल्व हो रहा है, और जब भी कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है तब हम यहां पे उसको क्या करते हैं, टी मान लेते हैं। आपको याद हो, मैं अगर आपको बता दूं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पे होमोजीनियस आईटीएम पे जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन टू एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री। मान लीजिए ये क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने आपको करके बताया था कि यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे टू कॉमन निकाल दो, x प्लस वाई को t मान लीजिए, है ना, और फिर ये क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, होमोजीनियस में रिड्यूस हो जाएगा, राइट। जब भी कांस्टेंट आता है तो हम ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज करते थे। सेम काम आपको यहाँ पे भी करना है, बाकी एज इट इज जो हम पहले कर रहे थे, जो होमोजीनियस कोची आयलर इक्वेशन हमने किया था वही काम हमें यहाँ भी करना है, बट थोड़ा सा आपको यहाँ पे टी मानना है। एग्जाम्पल देते हैं, इसमें एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दे रखा आपके सामने, अब आपको क्या रखा है, देखो आपको ये पता है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो, एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो, तो भैया आप जानते हो होमोजीनियस, पर साथ में यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ गया, और जब भी कॉन्स्टेंट आता है तो हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे को यहाँ पे टी मान लेते। अगर किसी कोई क्वेश्चन के अंदर कोई भी फंक्शन एक बार या एक से ज्यादा बार रिपीट होता है तो हम टी मानते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम इसको टी मानेंगे, तो क्या होगा, सुनिए यहाँ पे लेट वन प्लस एक्स इज इक्वल टू टी, इट इंप्लाइज डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। जब आप इसको टी मानेंगे तो सुनिए आएगा हमारे पास डी टू टी स्क्वायर डी टू वाई बाय, सुन डी एक्स की वैल्यू डी टी है तो डी एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी टी स्क्वायर हो जाएगा। सुनिए टी है डी वाई, जहाँ पर डी एक्स वहाँ पर डी टी रख देंगे, प्लस वाई इज इक्वल टू फोर कॉस लॉक टी हो जाएगा। अब सुन आप देख रहे हो ये हमारे पास टी में होमोजीनियस हो गई। अगर हमारे पास एक्स में होमोजीनियस होती थी, याद है ना, अगर हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन हुआ करती थी, आपको याद हो एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो सुन हम क्या करते थे यार, एक्स इज इक्वल टू ई की पावर जेड ले देते। भैया यहाँ पे टी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी इज इक्वल टू ई की पावर जेड हो जाएगा, राइट, और जेड इज इक्वल टू लॉक टी हो जाएगा। बस ये आपको समझने की जरूरत है, राइट। अब जैसे हम ये अज्यूम करेंगे तो यार हमारे पास ये जो वैल्यू होगी, मतलब ये जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास टी स्क्वायर डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो आएगा डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई, और टी डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, डी वाई हो जाएगा। सुन ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रखेंगे तो यह आएगा डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई प्लस डी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू फोर कॉस, सुन लॉक टी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। सुन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, वन इंटू वाई इज इक्वल टू फोर कॉस जेड। सुन जहाँ पे डी है वहाँ पे एम रख देंगे, एंड इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, देन हमारे पास यहाँ पे वाई इज इक्वल टू आएगा सी वन कॉस जेड प्लस सी टू साइन जेड, देन ये हमारे पास सी एफ होगा इसका। अब हम क्या करते हैं, इसका पी आई निकाल लेते हैं, फिर बाद में जेड की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, राइट। जब पी आई निकालेंगे तो सुन हमारे पास क्या होगा, ये पूरी की पूरी सिम्बॉलिक फॉर्म नीचे चली जाएगी, तो वाई इज इक्वल टू फोर कॉस जेड डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। इसमें जहाँ पर भी डी स्क्वायर वहाँ पे इस एंगल का जो कोफिशिएंट होता है, इसमें जेड है, है ना, कॉस जेड इसका वन है, वन को स्क्वायर करके माइनस करेंगे तो माइनस वन प्लस वन जीरो हो रहा है। जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे जेड का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और नीचे डिफरेंशिएट करते हैं, सुन नीचे डी स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाएगा टू डी। अब हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, कॉस जेड का, सुन वन बाई डी ऑफ कॉस जेड, तो ये साइन जेड हो जाएगा, और ये टू से टू तो वैसे भी कैंसिल हो रहा, तो ये आएगा टू जेड इंटू साइन जेड, इसमें इसका पी आई हो जाएगा। देन फाइनल आंसर हमारे पास होगा यहाँ पे सी ए प्लस पी आई, देन वाई इज इक्वल टू सुन आएगा सी वन कॉस जेड प्लस सी टू साइन जेड प्लस टू जेड साइन जेड हो जाएगा। सुन जहाँ पर भी जेड है वहाँ पे हम लॉक टी रखेंगे, तो ये सुन आएगा सी वन कॉस लॉक टी, है ना, लॉक टी हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमारे पास जहाँ जेड है वहाँ पे लॉक टी रखते हैं हम लोग, है ना, प्लस सी टू साइन लॉक टी हो जाएगा, प्लस सुन यहाँ पे टू लॉक टी साइन लॉक टी हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। देन इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, जहाँ पर भी जेड टी है, इसमें जहाँ पर भी टी है वहाँ पे वन प्लस एक्स रख देंगे, तो वाई इज इक्वल टू सी वन कॉस लॉग वन प्लस एक्स आएगा प्लस सी टू साइन लॉग वन प्लस एक्स आएगा, राइट। ये बड़ा ब्रैकेट हमारे पास ऐसे ले लीजिए, है ना, ये आ जाएगा, प्लस सुनिए आएगा टू लॉग वन प्लस एक्स आएगा, टी की जगह वन प्लस एक्स रखेंगे, साइन लॉग
वन प्लस एक्स आ जाएगा, राइट। तो सुनिए यार, ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट देखिए, जो कि डिक्टो इसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी एक्स प्लस वन आ रहा है। अब आपके मन में कन्फ्यूजन होगा, सर यहाँ तो एक्स प्लस वाइन आ ही नहीं रहा है, तो हम क्या करें। तो यार कुछ नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक्स प्लस वन को टी मारना है, क्वेश्चन दो मिनट में सॉल्व होगा। कैसे, देखिए आप इसमें क्या करेंगे, लेट वन प्लस एक्स इज इक्वल टू टी लेंगे। तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सुनिए वैल्यू उठा के यहाँ रखिए, तो ये आएगा टी स्क्वायर डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस टी डी वाई बाय डी टी प्लस सॉरी प्लस नहीं आएगा, इक्वल आएगा, है ना। इसमें इक्वल इक्वल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा टू। अब x की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें x की वैल्यू आएगी टी माइनस वन, तो मैं यहाँ रख दूंगा टी माइनस वन प्लस थ्री, राइट। एंड यहाँ पे भी हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, इसमें टी माइनस वन एंड प्लस फोर हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इसमें इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आएगा टी स्क्वायर डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस टी डी वाई बाय डी टी। इसमें जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टू टी प्लस वन हो जाएगा ये, है ना, और ये हो जाएगा हमारे पास टू टी प्लस टू हो जाएगा, क्लियर है। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे यहाँ पर भी क्या करेंगे, लेट एक फिर हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें मैं थोड़ा सा इसको क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस टी डी वाई बाय डी टी। इसमें जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा फोर टी स्क्वायर, देन ये आएगा हमारे पास फोर टी टू टी सिक्स टी, एंड देन ये आएगा हमारे पास टू। क्या करेंगे इसमें, लेट टी इज इक्वल टू ई की पावर जेड और जेड इज इक्वल टू लॉक टी हो, क्योंकि हमारे पास टी में होमोजेनियस हो गया। अब हम जानते हैं स्टूडेंट टी स्क्वायर डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई, और टी डी वाई बाय डी वाई बाय डी टी की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास डी वाई होती है। हम जानते हैं स्टूडेंट डी की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास क्या होता है, डी बाय डी जेड होता है। सो सुनिए यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पर भी वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे तो आएगा हमारे पास डी इंटू डी माइनस वन वाई प्लस डी वाई इज इक्वल टू, सुनिए आएगा फोर, जहाँ पर भी टी है वहाँ पे ई की पावर जेड, तो ये ई की पावर टू जेड हो बिकॉज टी स्क्वायर है, प्लस सिक्स ई की पावर जेड और कांस्टेंट है तो ये टू हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। सो सुन माइनस डी से डी कैंसिल हो रहा है तो इसको हम यहाँ लिखेंगे, तो ये आएगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू फोर ई की पावर टू जेड प्लस सिक्स ई की पावर जेड। इसमें यहाँ पे कांस्टेंट है तो मैं इसकी ई की पावर जीरो जेड लिख देता हूँ ना, ताकि हमारे ठीक हो। अब सबसे पहले हम सी एफ लिखेंगे, तो इसमें जहाँ पर भी टी सुन जहाँ पर भी डी है वहाँ पे एम रख देंगे एक्सेल इक्वेशन के लिए, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू हमारे पास जीरो जीरो हो जाएगा। तो सी एफ हमारे पास क्या होगा, सुन वाई इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू जेड ई की पावर जीरो जेड हो जाएगा, राइट, है ना, क्योंकि जीरो इसका हमारे पास क्या रूट आ रहा है, रिपीटेड रूट आ रहा है, राइट। अब हम बात करेंगे सुन पी आई के लिए, तो यार वाई इज इक्वल टू ये डी स्क्वायर नीचे जाएगा तो सुनिए आएगा फोर ई की पावर टू जेड अपॉन डी स्क्वायर आएगा प्लस सिक्स ई की पावर जेड अपॉन डी स्क्वायर आएगा प्लस टू ई की पावर जीरो जेड अपॉन डी स्क्वायर आएगा, राइट। सो वाई इज इक्वल टू सुन जहाँ डी वहाँ टू रखेंगे तो दो दो मतलब दो स्क्वायर तो चार और चार से चार कैंसिल ई की पावर टू जेड आएगा। सुन जहाँ पर भी डी स्क्वायर वहाँ पे वन रखेंगे बिकॉज डी की जगह वन रखेंगे बिकॉज यहाँ पे वन है ना, वन रखेंगे तो वन ही हो जाएगा, तो इससे कोई लेन देना है नहीं हमारे पास ई की पावर। सुन जहाँ पे डी वहाँ जीरो रखेंगे, अब जब भी जीरो रखते हैं तो हमारे पास क्या होता है सुन यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, राइट, क्योंकि जीरो पे डिनोमिनेटर जीरो तो हम ऊपर जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हमारे पास क्या आएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा, अगेन फिर समस्या हो रही है। तो वाई इज इक्वल टू ये आएगा ई की पावर टू जेड प्लस सिक्स ई की पावर जेड, फिर इसका ऊपर जेड से मल्टीप्लीकेशन नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे टू हो जाएगा और यहाँ जेड स्क्वायर हो जाएगा, राइट, और आप देख रहे हो टू से टू तो कैंसिल हो गया, तो यार ये आएगा जेड स्क्वायर ई की पावर जीरो जेड हो जाएगा। देन हमारे पास होगा वाई सी ए प्लस पी आई, सो वाई इज़ इक्वल आएगा सी वन प्लस सी टू जेड ई की पावर जीरो जेड, तो चलो ठीक है बाद में निपटेंगे इससे, प्लस ई की पावर टू जेड प्लस सिक्स ई की पावर जेड प्लस जेड स्क्वायर ई की पावर जीरो जेड हो जाएगा, राइट। सो वाई इज इक्वल टू ये आएगा सी वन प्लस सी टू, सुन यहाँ पे आएगा हमारे पास लॉक टी बिकॉज जेड की जगह हम लॉक टी रखते हैं, राइट, ये वैल्यू आएगी, है ना, एंड इसमें ई की पावर जीरो जेड का कोई मतलब नहीं है, और ई की पावर जेड जो होता है वो एक्चुअली टी भी होता है, बात बराबर, ये दोनों एक ही चीज़ होता है, ई की पावर जेड की जगह यहाँ रखेंगे तो टी स्क्वायर आ जाएगा, राइट, प्लस सिक्स टी प्लस ये जेड स्क्वायर तो इसकी जगह लॉग टी रख देंगे, है ना, का होल स्क्वायर ये तो हो जाएगा, राइट। अब इसमें जहाँ पर भी क्या करेंगे यहाँ पे सी वन प्लस सी टू लॉग वन प्लस एक्स आ जाएगा, राइट, प्लस वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिक्स वन प्लस एक्स हो जाएगा प्लस लॉग वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो यार ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा और इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व करते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी आपको इसी तरह से करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, सुन जब भी ऐसा आता है, देखो यहाँ पे 3x+2 रिपीट कर रहा है, तो सुन 3x+2 को हम क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे। जब इसको टी लेंगे तो यार सुन ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 3dx = dt हो जाएगा। अब सुन देखो, इसको लिखता हूं मैं, तो यार ये हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लिखोगे तो यार इसको लिख ऐसे सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो d x square plus 3, ये आएगा हमारे पास 3x+2, ये आएगा dy/dx - 36y = ये आएगा हमारे पास 3x² + 4x + 1। अब इसमें क्या करेंगे, जहां पर भी dx है वहां पे हम dt रखते हैं, पर यहां पे 3dx dt है, तो सुन यहां पे dx की जगह मैं क्या रखूंगा, सुन dx की जगह रखूंगा मैं dt/3। सुन ये वैल्यू उठा के आप यहां रखेंगे तो यार ये तो हमारे पास t² आ जाएगा, ये आएगा d2y/, अब dx² की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, dt² / 9, बिकॉज स्क्वायर है तो 9 ऊपर चला जाएगा, राइट, प्लस 3 × ये आएगा t, ये आएगा dy/dt/3 हो जाएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा हमारे पास, राइट, माइनस का 36y। सुन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जब आप इसको भी एज्यूम कर रहे हो, तो सुन यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, तो x की वैल्यू होगी t - 2/3, यार ये उठा के हम यहाँ रखेंगे तो ये आएगा t - 2/3 + 4 t - 2/3 + 1। सुन ये सब पूरा टी में हमने कन्वर्ट कर दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई करते, सुन 9 हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो t² d2y/dt² + t dy/dt - 4y = सुन यहाँ जब स्क्वायर करेंगे तो नीचे 9 आएगा और ऊपर 3 है तो नीचे 3 बच जाएगा, राइट, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो t² - 4t + 4 आएगा, प्लस ये आएगा हमारे पास 4t - 8/3 + 3। सुन यहाँ पे क्या, सॉरी प्लस का 1 है, राइट, सुन प्लस का 1 है। सुन यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब इस 3 का एलसीएम ले लेते हैं ना, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, राइट, चलो मैं बाद में लेता हूँ, अगले स्टेप में लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। सुन नेक्स्ट स्टेप करते हैं, अब सुन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे t² d2y/dt² + t dy/dt - 4y = सुनिए 9 से डिवाइड करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, राइट, एंड यहाँ पे हम 3 का एलसीएम ले लेते हैं, जब 3 का एलसीएम लेंगे तो t² - 4t + 4 + 4t - 8 + 3। सुन जब देखेंगे तो 4t से 4t कैंसिल, 4 और 3 = 7, तो यार हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी t² d2y/dt² + t dy/dt - 4y = ये 9 × 27 नीचे 27 हो जाएगा, और ये बचेगा आपके पास t² - 1, बिकॉज यहाँ पे 4 और 3 = 7 में से 8 में से गया तो ये बच जाएगा। इसमें यहाँ पे हम, ये हमारे पास t में होमोजीनियस हो गई, तो भाई साहब हम जानते हैं यहाँ पे कि यार t = e^z और z = log t अज्यूम करते हैं, जब ये अज्यूम करते हैं तो यार भाई साहब हमारे पास d2y/dt² की जो वैल्यू होती है वो d × d-1 × y होती है, एंड t dy/dt की जो वैल्यू होती है यार वो हमारे पास dy होती है, जहाँ पे d जो होता है वो d/dz होता है। सुन ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे तो आप देख रहे हो, सुन ये आएगा d × d-1 × y, राइट, प्लस ये आ जाएगा हमारे पास dy - 4y = सुन जहाँ t² वहाँ पे e^z रखेंगे तो यार ये हो जाएगा हमारे पास e^2z - 1/27। सुन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यार, तो d² - d से d कैंसिल हो जाएगा तो यार ये बचेगा, ये आएगा 1/27, इसको लिखेंगे e^2z, इसमें 1 है इसको 0z लिख दीजिए ताकि ठीक रहेगा, राइट, इसमें जहाँ पर d है वहाँ पे m रख देंगे तो m² - 4 = 0, इट इम्प्लाइज m = ±2 हो जाएगा, राइट। इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, इसका cf लिखेंगे हम, राइट, तो इसमें इसका जो cf आएगा वो आएगा y = c1 e^2z + c2 e^-2z हो जाएगा। इसमें इसका pi निकालेंगे तो यह रहेगा 1/27 e^2z / d²-4 - सुनिए अब माइनस हमारे पास, राइट, -e^0z / d²-4 हो जाएगा। इसमें y = जहां पर भी d वहां 2 रखेंगे तो इसमें नीचे 4 - 4 0 हो रहा है, इसमें ये आएगा 27, इसमें जहां पर भी d वहां 2 रखेंगे तो नीचे 4 हो रहा है, और तो 4 - 4 0 हो रहा है, तो ऊपर z का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, नीचे यहां पे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसमें यहां पे d की जगह हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे तो यार ये तो -4 बचेगा, देन इसमें यहां पे क्या करेंगे y = 1/27, इसमें यहां पे d की जगह 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये आएगा z e^2z / 4 - - + और e^0z की जगह वापस हम 1 रख देंगे, राइट। फाइनल आंसर जो होगा वो हमारे पास होगा CF + PI, इसमें y = CF की वैल्यू होगी c1 e^2z + c2 e^-2z, इसमें 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 होगा, आई थिंक,
तो सुनिए आएगा हमारे पास z e की पावर 2z प्लस 1 अपॉन 108 आ जाएगा। इसमें z है वहाँ पे हम t रखेंगे है ना, e की पावर z दिख रहा है ना, तो जहाँ पर भी e की पावर z है वहाँ t स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आएगा c1 t स्क्वायर प्लस ये आएगा c2 अपॉन t स्क्वायर बिकॉज माइनस है, प्लस ये आएगा log z एंड ये आएगा t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 108। इसमें जहाँ पर भी t है 3x प्लस 2, तो यहाँ स्पेस का थोड़ा इशू है, चलो मैं कोशिश करता हूँ लिखने की, लिख देते हैं ना। तो y इज इक्वल टू हमारे पास c1 आएगा, ये आएगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c2 अपॉन 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस log, ये आएगा हमारे पास 3x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 108। तो यार ये हमारे पास इसका क्या आएगा, आंसर आएगा, और इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो सुनिए यार, ये क्वेश्चन आपको मैं कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, यहाँ पे वही आप x प्लस वन रिपीट हो रहा था, इसको टी मान के आप आराम से इस क्वेश्चन को बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है प्लीज मुझे इस क्वेश्चन को करके बताइए, और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लग रहा है ये भी मुझे बताइए। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो 2.0 मतलब नए वीडियोज में अपलोड कर रहा हूँ उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे जाके मिल जाएगी, इसमें मेरी जो पुरानी प्लेलिस्ट है यहाँ पे मिलेगी, और मेरा जो नया चैनल CSIR नेट IIT-JAM और गेट पे बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, यहाँ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए ताकि आने वाले क्लासेस के जितने भी इनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। धन्यवाद।